हेलो फ्रेंड्स, मैं काकुली कर्मकार। मेरे यूट्यूब चैनल एमएलएस के केके पे आप सभी का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आपसे निमांस हॉस्पिटल के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। एक रिक्वेस्टिंग वीडियो है, ये वीडियो थोड़ा अलग है, तो आप निमांस हॉस्पिटल के बारे में फुल डिटेल्स में जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें कि कैसे आपको ऑनलाइन बुकिंग कराना है, अपॉइंटमेंट लेना है, तो आप कहाँ रुक सकते हैं और आपका कितना फ़ी है रजिस्ट्रेशन का और कैसे आप ओपीडी में दिखा सकते हैं। तो हर एक सब कुछ डिटेल्स में जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए, निमांस हॉस्पिटल जो कि बेस्ट न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक हॉस्पिटल है इंडिया में, तो बहुत ही आपका इंडिया में और एशिया में आपका थर्ड पोजिशन में आता है। तो बहुत ही आपका रिनाउंड और पॉपुलर हॉस्पिटल है। इसका जो फुल फॉर्म है निमांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। तो ये आपका निमांस हॉस्पिटल है बेंगलोर में। तो इनका जो एड्रेस है आप देख सकते हैं, होसूर रोड, मारीगोइडा रोड, विल्सन गार्डन, ठीक है, बेंगलोर 560029, कर्नाटक, इंडिया। जो ओपीडी है, ओपीडी के इंक्वायरी नंबर भी यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो आप नोट कर सकते हैं, इसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। टेलीफोन भी दिया गया, ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, ms@nimangs.ac.in इनका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है। तो आपको अगर कुछ जानना है आप ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो निमांस में देखिए एक गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल है, ठीक है, जहाँ पर आपका रिजनेबल प्राइस में ट्रीटमेंट होती है। तो यहाँ पर बीपीएल कार्ड भी का जो प्राइम मिनिस्टर है उनके जो पॉलिसी अभी निकाला है, जो आयुष्मान योजना के तहत भी यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए जो निमांस के जो चार्जेस है, ऐसे तो आपको जो ओपीडी में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे वहाँ पर आपको 20 रुपीस ही लगता है, पहले लगता था कोविड के पहले, अभी भी 20 रुपीस ही है। तो अगर आप निमांस में ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो थोड़ी वहाँ पर समय हाथ में आपको लेके जाना है, तो इसीलिए आप वहाँ पर 15 दिन हाथ में लेके चलिए। अगर पेशेंट सीरियस रहता तभी वो लोग एडमिट करते, नहीं तो एडमिट नहीं करते हैं। तो आप अगर सब रिपोर्ट वहाँ पर लेके जाएंगे एमआरआई का, तो आपको जल्दी जल्दी हो जाएगा सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे। अगर नहीं है तो वहाँ पर भी आप जाके करवा सकते हैं। तो लोग जो उनका जो प्राइस है एमआरआई सीटी स्कैन, तो बाहर से थोड़ा कम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एमआरआई का दिया गया है, हाँ, 5000+ है, सीटी स्कैनर 2000+ है, एक्सरे का 200+ है। और अगर आप वहाँ पर अगर पेशेंट के साथ किसी को, अगर पेशेंट एडमिट हो जाते हैं तो पेशेंट के अगर किसी के साथ एक आदमी वहाँ पर रुक सकते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में, तो उनके लिए भी रूम है, उनका भी चार्जेस है 200 से 300 रुपया। तो आप बाहर में भी रुक सकते हैं, जैसे रिलेटिव्स हैं, आप पेशेंट को लेके गए हैं, एडमिट नहीं हुआ है, तो आप बाहर में जाके वहाँ पर बहुत सारे आपका जो है रिजनेबल प्राइस में आपका जो है धर्मशाला जिसे आप कह सकते हैं, तो वहाँ पर अवेलेबल है, जैसे इंफोसिस का है, जिंदल का भी है, तो 200 से 300 रुपये में आपको रूम्स वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी। और होटल भी है बहुत सारा, आप चाहो तो होटल में भी रुक सकते हो। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं ORS पोर्टल से, ठीक है, 2022 में। तो आप OPD में भी दिखा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको इमरजेंसी है तो आप OPD में रजिस्ट्रेशन करा के ऑफलाइन आप जाके लाइन में खड़े होकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी और एक मोबाइल नंबर की। तो चलिए देखते हैं, मैं डायरेक्ट आपको जिनका ऑफिशियल वेबसाइट है निमांस का वहाँ पर लेके चलती हूँ। उनका निमांस का ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। तो बहुत ही बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है और आपका हॉस्पिटल भी है। तो आप देखिए यहाँ पर एक सेक्शन है, तो यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट फॉर निमांस ओपीडी सर्विसेज। तो आप क्यू में भी, अगर आप इमरजेंसी आपके पास तो क्यू में लग के भी आप इमरजेंसी में आप दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप ओपीडी में भी जाके ऑफलाइन भी आप दिखा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है बुक अपॉइंटमेंट फॉर निमांस एंड ओपीडी सर्विसेज। मैं आपसे शेयर करती हूँ, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट विंडो आपसे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप बुक अपॉइंटमेंट नाउ करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, एक हमका इंटरफेस आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको
सिक्स या सेवन स्टेप यहाँ पर दिया गया है। इस सेवन स्टेप के जरिए आप अपना ऑनलाइन बुकिंग बुक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो पहला देखिए, एक आपको सिलेक्ट करना है स्टेट हॉस्पिटल, ठीक है। दूसरा स्टेप है सिलेक्ट मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, आपको ऑफलाइन है ऑनलाइन है या टेली अपॉइंटमेंट भी होता है जो कि ऑनलाइन होता है। सिलेक्ट अपॉइंटमेंट टाइप, ठीक है, किस अपॉइंटमेंट, जैसे आपको फॉलो अप मैंने दूसरी बार दिखाना है, फॉलो अप है या पहला बार है, वो आपको सिलेक्ट करना है। वेरीफाई मोबाइल नंबर, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट फिर आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है कि कौन सा डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजिकल या साइकेट्रिक डिपार्टमेंट आपको दिखाना है। तो फिर कौन से डेट में आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, डेट आपको सिलेक्ट करना है। फिर गेट कन्फर्मेशन SMS। तो जैसे देखिए, आपको अगर जिस भी स्टेट से आप दिखा, जिस भी हॉस्पिटल में आप दिखाना चाहते हैं वही स्टेट चूज कीजिए। अभी देखिए, जैसे यहाँ से आप जो ORS पोर्टल है इंडिया गवर्नमेंट की, ORS.gov.in, ठीक है, तो यहाँ से आप इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर आप अप्लाई अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जो भी फेमस हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंडिया के, यहाँ से आप सारे हॉस्पिटल के, देखिए यहाँ पर सारे स्टेट दिए गए हैं, उस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं या उस हॉस्पिटल में दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। जैसे मुझे अगर निमांक्स में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना है तो कर्नाटक, निमांक्स जो कि बेंगलोर में है तो कर्नाटक स्टेट होता है, तो वहाँ पर मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पर निमांक्स आपको बेंगलुरु कर्नाटक का सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे आप करेंगे, देखिए यहाँ पर फिर आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट कंसल्टेशन मोड फॉर फिजिकल कंसल्टेशन विद डॉक्टर, टेली, आजकल टेली कंसल्टेशन भी होता है तो यहाँ पर आपको चूज करना है, ठीक है। ऐसे जैसे आप चीज करते जाएंगे, एक स्टेप आपका पूरा होते जाएगा तो आप फिर इसमें कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो सेवन स्टेप जो दिया गया है, इस तरह से आप कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक। तो इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है रिनाउंड, तो इसमें इस पोर्टल से आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो होपफुली मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा एक बंगला चैनल भी है डॉक हाउस इंडिया, तो वहाँ पर भी जाके आप वीडियो देख सकते हैं। मैं मेरे चैनल पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, और इंडिया के जो बेस्ट हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर्स हैं डिपार्टमेंट वाइज, उनके नाम और सब कुछ डिटेल शेयर करती हूँ।